हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दैट इज व्हाट द लाइगेशन, रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन एंड मैपिंग क्लियर है। तो अब मैं क्वेश्चन अप्रोच से आगे बढ़ रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन का पार्ट आएगा। ये तो बेसिक था कि कैसे समझे थे, कैसे क्या चल क्या रहा है पीछे, ठीक है। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बोलते हैं लाइगेशन, कि लाइगेशन होगा कैसे, हाउ लाइगेशन कैसे करना है। राइट ओरिएंटेशन, लाइगेशन जो होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। एक होता है राइट ओरिएंटेशन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट ओरिएंटेशन, एंड एक होता है रिपीट, टैंडम और रैंडम, ठीक है। रैंडम भी हो सकता है और टैंडम होता है। टैंडम रिपीट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि ए टी ए टी ए टी, ऐसे सीक्वेंस होते हैं ना फ्रंट। ये क्या होता है कि कोई एक सीक्वेंस है तो इसके आगे रिपीट हो सकता है या पीछे रिपीट हो सकता है। रिपीट जो होगा या तो जस्ट आगे या जस्ट पीछे, दैट इज व्हाट द टैंडम रिपीट, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करेंगे कि टैंडम रिपीट अगर आपको क्लियर है तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि क्या होता है, दैट इज द इंसर्शन। इसको मैं आपको बता देता हूं एक छोटे से एग्जांपल में, यहीं पे समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। सी, अगर आपके पास मैं कहता हूं जी, अगर मैं आपके लिए कहता हूं कि आपके पास ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है जिसको बोलते हैं ए बी सी। अगर इंसर्शन में इसी ऑर्डर में हो गया, अगर इंसर्शन इसी ऑर्डर में हो गया ए बी सी, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज या राइट ओरिएंटेशन। अगर ये इंसर्शन कुछ इस तरीके से हो गया सी बी ए, तो ये क्या होता है जी, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज या अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से था, ए बी सी ऑलरेडी था, ए बी सी ऑलरेडी था, इसके आगे फिर से जोड़ दिया आपने ए बी सी, तो इसको क्या बोलेंगे जी, थर्ड द टैंडम रिपीट। और एक जगह पे आपने ए बी सी था, ये ए बी सी, यहां ए बी सी जुड़ा हुआ था ए बी सी, और आपने क्या किया कि कहीं और पोजीशन पे ए बी सी जोड़ दिया, नॉट जस्ट एडजेसेंट, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रैंडम रिपीट। क्लियर है? सो ये आपका लाइगेशन होते हैं क्लॉकवाइज, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो लाइगेट कैसे हो रहा है इसी को लेके चलते हैं आगे। नाउ आगे मूव करता हूं, दैट इज व्हाट द राइट डायरेक्शन। सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से मूव करेंगे ताकि आपको मजेदार तरीके से समझ में आए। एकदम अच्छा है कॉन्सेप्ट, बहुत मजेदार है। समझ गए तो क्वेश्चन हवा में बनने लगेंगे, समझ गए तो क्वेश्चन हवा में बनेंगे और कुछ होना नहीं है। पहले चीज राइट हैंड डायरेक्शन, देखिए ये रहा वेक्टर, वेक्टर के पास ये क्या है बैम एच वन और हिंद थ्री, इन दोनों के बीच की साइट है 0.5, इन दोनों के बीच की साइट है 0.5, टोटल साइज है 4.5, यानी अगर मैं बैम एच वन से हिंद थ्री बैकबोन की बात करूं तो ये होगा 4.5। होगा कि नहीं होगा? ये होगा 4.5 बैम एच यहाँ पे, जो कि इस ये 0.5 है तो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये रहा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट के बीच में है इको आर वन, इको आर वन जो है ये 1 KB का बना, 2 KB का बना हुआ है। इधर आपका पोर्शन इको आर वन से ये वाला पोर्शन जो है 0.5 का है और ये वाला पोर्शन जो है 1.5 का यहाँ पे दिख रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपने देख लिया। अब इन दोनों को वेक्टर को कट करेंगे तो यहां पे ओपन हो जाएगा वेक्टर, वेक्टर कट करेंगे तो वेक्टर ओपन हो जाएगा और यहां पे क्या करेंगे, अब डीएनए को लाइगेट करना शुरू कर देंगे। डीएनए को लाइगेट कराया आपने, जब डीएनए को लाइगेट कराया तो लाइगेट डीएनए राइट डायरेक्शन में होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में था। अगर मैं कहूं ये ए लिख लो, ये बी लिख लो, तो ये ए होगा और ये बी होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? इट्स अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। ये आपका 0.5 केबी है, जहां पे ये लाइगेट हुआ उससे 0.5 केबी पे ये इको आर वन है और उससे 1.5 केबी पे ये वाला लाइगेट हुआ है और उससे 0.5 केबी पे हिंद थ्री था, क्योंकि ये बताया हुआ है कि हम यहाँ पे लाइगेट कर रहे हैं बैम एच वन से, तो उससे 0.5 केबी पे ये हिंद थ्री लाइगेट हो रहा है। यहां तक समझ में आया?
लाइगेशन समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ लाइगेशन ही समझना है। अगर लाइगेशन समझ में आ गया तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, लाइगेशन समझ में आ गया तो अच्छी बात है जी। ये आपने क्या किया कि ये जो पार्ट है इसको लाइगेट कर दिया, ठीक है, लाइगेशन कर दिया। अब देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नहीं समझ में आया है, चलिए अच्छी बात है जी, नहीं समझ में आया। आंखों का टेस्ट है और कुछ है नहीं इसमें। ये वेक्टर दिख रहा है, ओम वेक्टर दिख रहा है। चलिए बहुत तेज रिप्लाई कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि बैम एच वन के बारे में बात कर रहा हूं। बैम एच वन है और हिंद थ्री, इनके बीच में 0.05 का साइट है। जब आपने बैम एच वन पे इंसर्ट किया, ये बोला जा रहा है बैम एच वन पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये कट गया बैम एच वन। मैंने ये क्या है, बैम एच वन कट गया और ये रहा हिंद थ्री, यहाँ पे हिंद थ्री है और ये रहा साइज जो होगा ये 0.5 होगा। इसी बीच में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आके लाइगेट करेगा, इसी बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट आके लाइगेट करेगा। तो यही तो जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करवाया मैंने, लाइगेट करवाया तो ये इसी साइज में होगा, क्लॉक वाइज में होगा। जब मैंने एज ए एग्जाम्पल इसको ए और बी रख दिया है तो ए और बी ऑर्डर में होगा, तो ए 0.5 के बी है, यहाँ पे आप देख रहे हो, उसके बाद इको आर वन की साइट है और बी जो है 1.5 के बी है जो कि यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। सो ये आपका इस तरीके से बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, उसके बाद 0.5 के बी पे हिंद थ्री है जो कि यहाँ से आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए मूव करता हूँ फिर फटाफट में, अगर डाउट नहीं है तो इसी पर्टिकुलर पार्ट को यही डाइजेशन मैं करता हूं। अब देखिएगा कि अब इस पर्टिकुलर डीएनए में वही डीएनए मैंने बनाया है कि 0.5 के बी है, ये सेगमेंट आपका ए था और ये सेगमेंट बी था जो कि मैं एज ए लेके चल रहा था, ये इको आर वन, ये हिंद थ्री है। अगर पहला केस नंबर फर्स्ट, अगर हम इसको इको आर वन से डाइजेस्ट करते हैं, सिंगल डाइजेशन करते हैं, तो कितना फ्रेगमेंट मिलेगा, 7 KB का फ्रेगमेंट मिलेगा, 7 KB का फ्रेगमेंट मिलेगा। इको आर वन जब सिंगल डाइजेशन करेंगे तो 7 KB लीनियर डीएनए बनेगा, जब दूसरा करेंगे हिंद थ्री से करेंगे, जब एक सिंगल डाइजेशन है, सर्कुलर डीएनए है, तो एक साइट एक फ्रेगमेंट पूरा कट के ओपन हो जाएगा 7 KB का, तब भी लीनियर डीएनए मिलेगा, 7 KB का लीनियर डीएनए, चाहे इको आर वन से चेक करो चाहे आप इसके हिंद थ्री से करो, दोनों में 7 KB का लीनियर डीएनए मिलेगा, कट के वो पूरा फ्रेगमेंट एक पूरा का पूरा सेगमेंट फॉर्म में आ जाएगा, एक लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। जब तीसरा केस करते हैं, जबकि जब डबल डाइजेशन होता है, डबल डाइजेशन मतलब दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को साथ में डाइजेस्ट करते हैं, इको आर वन एंड हिंद थ्री को साथ में डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखोगे जब इसको यहां से डाइजेस्ट कर रहे हैं और इसको यहां से करेंगे, तो आपके पास एक फ्रेगमेंट ये मिलेगा, एक फ्रेगमेंट ये मिलेगा जिसको बोलें, जो फ्रेगमेंट एक मिलेगा वो हो जाएगा 1.5 प्लस 0.5 का, और दूसरा फ्रेगमेंट मिलेगा ये जो हो जाएगा 4.5 प्लस 0.5 का। तो ये जो फ्रेगमेंट होगा वो 5 KB हो जाएगा और ये जो फ्रेगमेंट हो जाएगा वो 2 KB हो जाएगा, ठीक है, 5 KB एंड 2 KB। इज इट क्लियर, समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ कट करके इसको विजुलाइज, आंखों का टेस्ट है, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आंखों से जितना अच्छा पढ़ पाएंगे उतना ही बेटर है, या आप जितना अच्छा आंखों से रीड कर पाओगे, कट हो रहा है तो 2 फ्रेगमेंट मिलेगा, 2 और 5। नाउ अब देखने की कोशिश करता हूं द रिवर्स डायरेक्शन मैकेनिज्म, कि रिवर्स कैसे हो रहा है। रिवर्स डायरेक्शन के बारे में जब बात करता हूँ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रिवर्स डायरेक्शन, जब आप रिवर्स डायरेक्शन में बात करते हैं, सो सी रिवर्स डायरेक्शन में जब बात करेंगे तो रिवर्स का मतलब है कि एबीसी को सीबीए कर देना, उल्टा कर देना। तो जब भी आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है उसको तुरंत रिवर्स कर दो ना, तुरंत रिवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स करके लाइगेट कराना, रिवर्स कर दो, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी को रिवर्स कर दो। मैं कहता हूं कि ये ए था, ये बी सेगमेंट था, वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं अगेन, ये ए था ये बी था, अब ये हो गया बी एंड ए, हमने रिवर्स कर दिया इस सेगमेंट को क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी ए एंड बी, सेम क्वेश्चन, बैम एच वन और हिंद थ्री के बीच में 0.5 केबी का गैप है, 5 केबी का डीएनए फ्रेगमेंट है, यानी ये जो बैकबोन होगा वो 4.5 केबी का होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जीरो ए साइट है जो इको आर वन से 0.5 केबी बच रहा था, दूसरा वाला जो था 1.5 केबी था, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, अब लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है। जब रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे कहते हैं कि बाइंडिंग हो रखी है, सो देखिएगा कि अब ये आ गया बी, अब ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा ए,
अब इसका जब डबल डाइजेशन कराएंगे, क्या कराएंगे इसका, जब डबल डाइजेशन कराएंगे इको आर वन और हिंद थ्री दोनों से डाइजेशन कराएंगे, सो आप देखिए कि ये 4.5 इस 1.5 से जुड़ेगा, इसमें जब आप कट कराओगे तो ये कट कैसे होगा, एक यहां से कट होगा और एक यहां से कट होगा, कट होगा तो कुछ इस तरीके का फ्रेगमेंट मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, इसमें एक 0.5 के भी है और एक 0.5 के भी यहाँ पे है और एक फ्रेगमेंट है 1.5 के भी और ये है 4.5 के भी। जब भी आपको कट कराना हो, जैसे मैं बना रहा हूं ना ऐसे बना लोगे समझ में आ जाएगा कि कट की जगह पे कट कर दो और जो साइज है वो लिख दो, जहां जहां कट है उसको कट कर दिया और जो साइज है उस पर लिख दिया जितने जितने फ्रेगमेंट का जिस साइज पे जहां जहां आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए मैंने एक यहाँ पे कट किया है और एक यहाँ पे कट किया है और साइज लिख दिया, तो एक 0.05 1 के भी आ जाएगा और 4.5 एंड 1.5 6 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है जी। चलिए ग्रेट, ये था आपका रिवर्स डायरेक्शन में जब उसको हम इनकॉर्पोरेट करते। द थर्ड इज व्हाट द रिपीटेशन रिपीट्स, जिसको बोलते हैं टैंडम रिपीट्स। टैंडम रिपीट्स के ऊपर लेके चलूंगा, रैंडम वाला क्वेश्चन इतना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगा और उतना जरूरी नहीं है डिटेल में लेके जाना, और रैंडम का मतलब फिर आपको कट करके अलग फ्रेगमेंट मिलेगा, कुछ होगा नहीं, बस हैं, ठीक है, दो साइज सेम मिलेगा बाकी एक आपका अलग मिलेगा, तो वो रैंडम में होता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैंडम रिपीट वो देखने की कोशिश करिएगा कि देखिएगा एक यहाँ पे बैम एच वन की साइट है, बैम एच वन की साइट है, 5 केबी का ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट है, पूरा का पूरा फ्रेगमेंट जो है 4+1 5 केबी का फ्रेगमेंट है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के बीच में एक इको आर वन की साइट है और दोनों साइट में बैम एच वन की साइट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम बैम एच वन की साइट लेके नहीं चल रहे थे साइड में, यहाँ पे दोनों एंड पे जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों एंड पे बैम एच वन की साइट है, ठीक है, दोनों एंड पे है और ये 1 केबी का सेगमेंट इधर है और 1 केबी का सेगमेंट इधर है, ठीक है। नाउ अब देखने की कोशिश करता हूं कि इसको लाइगेट कराइए, जब बैम एच वन से लाइगेट कराएंगे तो ये बैम एच वन पे कट होगा, ये कुछ इस तरीके का कट होगा, यहाँ पे कट होगा, कट पे यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट होगा, लाइगेट होगा तो कुछ इस तरीके का जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट होगा तो बीच में इको आर वन, एक बैम एच वन, एक बैम एच वन, 1 के बी एंड 1 के बी आया जी, इको आर वन बैम एच वन कट किया तो इस तरीके सब आया, ये लाइगेशन समझ में आ रहा है। नाउ जब इसको अभी हम बैम एच वन से डाइजेस्ट करेंगे, इसको हम अगर बैम एच वन से डाइजेशन करेंगे जी, इसको अगर हम बैम एच वन से डाइजेशन करते हैं तो देखिएगा बैम एच वन के दो साइड्स है, जब बैम एच वन के डाइजेस्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक फ्रेगमेंट ये बनेगा क्योंकि ये दो कट हो जाएंगे, ये एक यहां से कट होगा और एक यहां से कट होगा, इसमें देखोगे कि 1 के बी और 1 के बी आएगा और यहां पे देखेंगे तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 5 के बी है, 1+4 ये टोटल 5 के बी है, तो ये आ जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये 1 1 क्या हो जाएगा, ये 1+1 हो जाएगा 2 और 4+1 हो जाएगा 5, समझ में आ रहा है, दो मिलेंगे जब आप इसको बैम एच वन से डाइजेस्ट करते हो, ठीक है। जरा सा मुझे एक बात बताओ कि यहां पे अगर इको आर वन से डाइजेस्ट करेंगे तो कुछ मिलने वाला, एक लीनियर फ्रेगमेंट मिलेगा, कितने का मिलेगा जी, एक लीनियर फ्रेगमेंट मिलेगा क्योंकि एक ही साइट है, 1 लीनियर फ्रेगमेंट जो कि मिलेगा कितने साइज का मिलेगा, 5, 2, 7 के बी, 7 के बी मिलेगा टोटल, 2 के बी का ये है और 5 के बी का ये है, ग्रेट। अच्छा मैं इसमें और पूछता हूं कि अगर एक केस लेके चलता हूं जहां पे कि इसी पर्टिकुलर वेक्टर को बैम एच वन और इको आर वन दोनों से डाइजेस्ट कर, तब क्या मिलेगा, जब 3 ब्रेक हो जाएंगे बीच में एक और ब्रेक हो जाएगा, अगर बैम एच वन, और इस बारे में बात करूं मैं आपके लिए, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, आप इसको देखने की कोशिश करिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके का फ्रेगमेंट था ही था, एक कट यहाँ पे, बीच में एक और कट, फिर एक कट यहाँ पे, ये 1 ये 1 और ये 5,
तो आपको मिल जाएंगे यहां पे 5 + 1 + 1, ठीक है, 5 आएगा not 6 5 आएगा, 8 कहां से आ जा रहा है, 5 + 1 + 1, ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको कैसे कैसे कट करके कितने कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि जब यहां अभी तक कोई रिपीटेशन हुआ था क्या, अभी तक कोई रिपीटेशन हुआ था, यहां तक कोई रिपीटेशन नहीं है, यहां भी पहली बार ही लाइगेट हुआ है, द फर्स्ट टाइम लाइगेशन, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसके पास बैम एच वन है, जब इसके पास बैम एच वन है, आप बैम एच वन से डाइजेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये एंजाइम इसको जाके फिर से यहां से डाइजेस्ट करके दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करा दे, इट्स पॉसिबिलिटी। तो अब क्या होगा कि देखिएगा, इसके पास जो ये बैम एच वन साइट है, अब क्या करेगा, यहां पे जो बैम एच वन है ये इसके ऊपर भी एक्ट कर सकता है, कैन एक्ट, जब एक्ट करेगा यहां पे तो लाइगेट कराएगा, देखिए एक जीन ऑफ इंटरेस्ट तो था ही था, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे था जिसके पास 1KB 1KB था, दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, बीच में इको आर वन आ गया, ये 1KB और ये 1KB, और टोटल जो था वो 5KB था ही, टोटल जो था 5KB था ही। अब इसको अगर मैं आपसे कहता हूं कि इको आर वन से डाइजेस्ट कराओ, अगर इको आर वन से डाइजेस्ट करा रहे तो कितना फ्रेगमेंट मिल रहा है, फ्रैगमेंट आप देखोगे इको आर वन से डाइजेस्ट कराओगे तो आपको मिलेगा एक, जो मिलेगा कुछ इस तरीके से, इको आर वन से जब डाइजेस्ट कराओगे एक इस तरीके से का फ्रैगमेंट मिलने वाला है, एक ये और दो ये, जिसमें से कि 5 1 1 1 1 ये फ्रैगमेंट मिलेगा, समझ में आ रहा है, तो 1 + 1 5 + 1 ये करेंगे तो एक 7KB मिलेगा और एक मिलेगा, देखिए एक 5KB मिलेगा और उसके बाद एक 1KB यहां पे और एक 1KB यहां पे, तो टोटल 7KB + 2KB, ठीक है। अगर इसी को मैं कहूं बैम एच वन से डाइजेस्ट करो, तो इसी को बैम एच वन से डाइजेस्ट कराया, तो जब बैम एच वन से डाइजेस्ट कराओगे आप तो टोटल इसके बीच में एक जीन सेगमेंट और आ चुका था, तो एक 5KB मिलेगा और एक 4KB मिलेगा। अगर इसको इको आर वन और बैम एच वन दोनों से कर रहे हैं, तो इको आर वन प्लस बैम एच वन दोनों से कर रहे हैं, तो 5KB तो मिलेगा मिलेगा, 5KB तो मिलेगा मिलेगा, इसके पास +1 + 1 + 1 चार बार लिखा जाएगा, 5KB + 4, ठीक है जी, बिल्कुल हिताक्षी बिल्कुल सही जवाब है, चार बार वन आ जाएगा, ठीक है, चलिए ग्रेट, समझ में आ गया, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड मैपिंग, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द गेट, गेट के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करके कल आइएगा तभी आएगा। टू कहां से आएगा जी, टू कहां से आएगा, देखिए ना सब एक एक करके तो जाएगा, ये वन आएगा, ये वन आएगा, वन वन, ठीक है, टू आएगा, फाइन, यस 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 फाइन, यस 1 2 1 आएगा, नॉट 1 1, यहां पे मिस्टेक हुआ है, 5 आएगा, 5 के साथ साथ बिल्कुल सही जवाब है जी, 5 के साथ 1KB आएगा, उसके साथ एक 2KB बनेगा, दो इको आर वन के बीच में 2KB बनेगा और उसके बाद एक 1KB बनेगा, ठीक है, जब एक बात बताइए, जब इसके पास बैम एच वन साइट है तो यहां पे भी तो बैम एच वन आएगा, इसके पास भी तो बैम एच वन आएगा, क्योंकि जैसे यहां पे आ रहा है बैम एच वन, जब लाइगेट कर रहे हो तो यहां पे बैम एच वन आएगा, ये मिस्टेक हो रखा है यहां पे, ठीक है, यहां पे भी बैम एच वन आएगा, समझ में आया, क्यों, क्योंकि दूसरा जब लाइगेट करोगे इसको कट करके ये वाला बैम एच वन इसको रिप्लेस करेगा, तो जब बैम एच वन आएगा तो अब क्या करेंगे, डबल डाइजेशन, देन दिस इज दिस विल बी, यहाँ पे बैंड से कंफ्यूज हो रहे थे तो अगेन इसको करेक्ट करिएगा, जब अगेन इसको करेक्ट करेंगे तो ये चार बार ही 1KB 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 आएगा, ठीक है जी, क्योंकि यहां पे भी बैम एच वन आएगा बीच में, जी बिल्कुल सही जवाब है, दो नहीं आएगा, 4KB आएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी ठीक है, 4 1 1KB के आएंगे, एक 5KB का आएगा, ठीक है, चलो
तो ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि कब आपको पता करना है कि टैंडम रिपीट हो सकता है, जब जब रिस्ट्रिक्शन साइट जो है रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट है कहां पे जी, प्रेजेंट ऑन द जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर रहे उसी का साइट आपके ऊपर प्रेजेंट है, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास ही ये बैम एच वन था, जैसे कि आपने देखा इसके पास बैम एच वन था तभी वो दोबारा लाइगेट हो पा रहा था, बैम एच वन था तभी वो क्या हो रहा था, बैम एच वन से डाइजेस्ट कर रहे थे तो ये दोबारा टैंडम रिपीट का केस बन रहा था। सो दैट इज द चांसेस ऑफ टैंडम रिपीट, इज इट क्लियर? सो दिस इज फॉर द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड मैपिंग, होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।